Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, we will learn about second principal focus of spherical lenses. Second principal focus जो होता है spherical lens का वो क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे. तो spherical lenses में आते हैं concave and convex, इनको हम अलग अलग देखते हैं. So, first is convex lens, इसका second principal focus क्या होता है? A number of rays pass through a point on the principal axis and fall on the convex lens. एक पर्टिकुलर पॉइंट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे है वहां से लाइट रेस निकलेंगी और कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट होगी. द रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस. यहाँ खास बात क्या होगी, वो जो रेज इंसिडेंट हुई है एक पॉइंट से निकल रही है, कॉन्वेक्स लेंस उन्हें पैरेलल लाइट रेस पे कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, तो ये जो पैरेलल लाइट रेस फॉर्म हो रही है इसी के बेसिस पे सेकंड प्रिंसिपल फोकस निर्धारित होता है. दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस. जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, एक पॉइंट जिसका नाम दिया गया है F2, वहां से लाइट रेस निकल रही है और कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद पैरेलल बन गई है. तो ऐसा पॉइंट जहां से लाइट रेस निकल रही हो और कॉन्वेक्स लेंस के पास होने के बाद वो पैरेलल हो गई हो, तो वो पॉइंट जहां से लाइट रेस निकली है वो कहलाएगा सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. पहला फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस क्या था, पैरेलल लाइट रेस कन्वर्ज होती है एक पॉइंट, वो है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस. लेकिन सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या है, ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां से लाइट रेस निकल रही है और कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद पैरेलल बन रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है. ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस था, अब है कॉनकेव लेंस. अ नंबर ऑफ रेज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड फॉल ऑन द कॉनकेव लेंस. इस बार कुछ लाइट रेज कॉनकेव लेंस के बेसिस पे जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पर्टिकुलर पॉइंट को पॉइंट कर रही है, मतलब उसकी तरफ जा रही है. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है, कॉनकेव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट है, उसकी तरफ लाइट रेस जा रही है, एग्जैक्टली मीट नहीं करेंगी, जा रही है उसकी तरफ. क्या होगा, द रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस. यहां भी कॉनकेव लेंस से पास होने के बाद वो लाइट रेस पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के. This point is called the second principal focus of the concave lens. इसी point को बोलेंगे हम second principal focus of the concave lens. जैसा कि आप image में देखो, तो यहाँ light rays जो है इस तरह से pointed है कि वो F2 की तरफ directed है, F2 point की तरफ directed है. ठीक है, लेकिन जैसे ही concave lens से pass होंगी तो सारी light rays जो है parallel होगी. तो ये है सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस. ठीक है, इसको हम एनिमेशन में देखते हैं कैसे सेकंड प्रिंसिपल फोकस बनता है. पहले कॉन्वेक्स लेंस का सेकंड प्रिंसिपल फोकस, तो कॉन्वेक्स लेंस है और प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइट रेस एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या हो गई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो गई. तो वो जो पॉइंट है जहां से लाइट रेस निकल रही थी वो पॉइंट कहलाएगा सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, अब हम देखेंगे कॉनकेव लेंस में कैसे होगा ये. तो ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बना हुआ है. अब जो लाइट रेज है वो कहीं और से आ रही थी, ठीक है, कॉनकेव लेंस ने उनको क्या कर दिया, पैरेलल बना दिया. लेकिन ये जो लाइट रेस थी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड थी, वही पॉइंट कहलाएगा सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस.